सर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्लस 24/7 में। तो पटवारी अभ्यर्थी चयनित, पटवारी परीक्षा के चयनित अभ्यर्थी एवं ऐसे उम्मीदवार जो पटवारी परीक्षा में डिस्क्वालीफाई हो गए, वो उम्मीदवार जो परीक्षा पटवारी परीक्षा में भी वेटिंग में, आप सभी के लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज है। क्योंकि बहुत सारे जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो बार बार कमेंट्स करते हैं कि क्या सर दोबारा से एग्ज़ाम होगी, क्या हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, क्या बात करते हो यार, एग्ज़ाम दियो ना तो ज्वाइनिंग ले के रहेंगे, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जांच आयोग भी गठित हुआ, ये भी आपको पता है। जांच आयोग का रिपोर्ट क्या आया, इसके बारे में भी बात करूँगा आज। और पूरी तरह से आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि जाँच आयोग क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। बट हाँ, आपको सिलसिलेवार पूरी वीडियो देखनी होगी। क्यों लेट हो रहा है जांच आयोग में? जांच आयोग और जांच समिति क्या है? तो जांच आयोग होता है जिसमें ये अधिनियम 1952 का है, जांच आयोग की नियुक्ति के लिए ऐसे आयोगों में कतिपय शक्तियां नहीं तो करने के लिए उपबंध बनाने के लिए जो अधिनियम लाया गया था 1952, जिसके तहत इसी तरह से घोटाले या कि किसी तरह से ऐसी असुविधा जो लोगों को, पब्लिक को परेशान करती है, उसके लिए जांच आयोग का गठन किया गया था। अब जांच की समिति होती है, ठीक है, और समिति ये हो गई फिलहाल पॉलिटी की विषय, इस पर मैं बहुत ज़्यादा गहराई पे नहीं जाऊँगा। तो जांच आयोग जब बनी तो आपको भी पता है कि जांच आयोग में कहीं भी सरकार का ऐसा गजट प्रस्तुत नहीं किया गया कि जांच आयोग में कितने सदस्य हैं और कौन उसमें माननीय कितने सदस्यों को कौन कौन सा कार्य दिया गया है, ऐसी कोई भी गजट पेश नहीं की गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे बड़ा दिक्कत यही हुआ कि सर हम कैसे जाने कि कितने सदस्य हैं, क्योंकि यदि हमें पता होता तो हम प्रॉपर ये भी देखते कि सर शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता दें कि जांच आयोग का ये नियम आ गया है, जांच आयोग ने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया गया है, यहाँ ऐसे कड़ी मिल रहे हैं जिसमें ये दोषी हैं। तो ऐसा कोई भी उसमें उल्लेख है ही नहीं, गजट मुझे तो फिलहाल नहीं दिखा। आपको दिखा होगा तो आप मेरे अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल लिंक कर रहा हूँ, आप उसमें जा कर के मैसेज कर दीजिएगा या कि उसका स्क्रीनशॉट फोटो जो भी मिले आप मेरे को डाल दीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं जो जाँच कार्यालय ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा RRMU द्वितीय तल वाल्मी परिसर करिया सो डैम के पास मध्य प्रदेश भोपाल, ये जांच आयोग एक ब्रांडती है, इसकी प्रॉपर ऑफिस बनती है, कार्यालय बनती है, इनके द्वारा एक नोटिस भेजा जाता है। ये नोटिस की मैं चर्चा कर रहा हूँ 27/9/2023 दिन बुधवार की है। इसमें कुछ जिलों को, आपको भी पता है कि इस समय पर मध्य प्रदेश में 53-54 जो जिले हैं तो उनमें से सिर्फ 4-5 जिलों को सूचित किया गया था, जैसे रीवा, महोगंज, सतना, सिंधी एवं सिंगरौली के शिकायतकर्ता यदि चाहें तो जाँच आयोग को अपनी पूरी तथ्य के साथ कि उन्होंने क्या फॉल्ट पाया है इस परीक्षा में, चाहे वो जैसे जो वीडियो वायरल हुए थे कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो टॉप 10 के तहत रैंक कर रहे थे, उनसे प्रॉपर बन नहीं रही थी कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, कौन सा ज़िला कहाँ स्थित है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, तो वो सारी जानकारी उनको नहीं मिले थे। इसके अलावा मतलब क्या अनियमितता पाई गई, यदि कोई आपको ऐसे CCTV फुटेज मिला है जिसमें कोई व्यक्ति आपको संदिग्ध मिल रहा है कि ये टॉपर होने के लायक तो है नहीं, फिर भी ये टॉप 10 में कैसे रैंक कर रहा, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी यदि कोई चाहता तो वो जांच आयोग तक पहुंचा सकता था। तो क्या सर जाँच आयोग बिना इन लोगों से शिकायत लिए, बिना इन लोगों से प्रूफ लिए क्या जाँच नहीं करती? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है, सिरे से नकारा जा सकता है इसको। क्यों? क्योंकि जांच आयोग जब बैठी है तो वो स्वयं इसको सिलसिलेवार इसकी जांच करेगी कि कौन उसमें किस पार्टी के कितने नेता इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कौन उसमें किस कॉलेज में, कितने कॉलेजों में पेपर कंडक्ट कराया गया, उनका सीरियल वाइज क्या था, किस किन किन फर्स्ट तो वो ये पकड़ेंगे कि कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनमें संदिग्धता पाई गई है, ठीक है। उसके बाद उनसे जुड़े हुए तार जो अभी कुछ सामने भी आए थे कितना सत्य है, ठीक है, उसमें जो ग्वालियर के NRI कॉलेज के बारे में सबसे ज़्यादा बातें हुई थी तो उसमें क्या है, इन सब चीज़ों को वो रिव्यू करेंगे, ठीक है। अब जांच आयोग की क्या जांच जो है 15 अगस्त 2023 तक आना था जो कि आया नहीं, उसके बाद ये अटकलें लगाई गई जा रही थी कि इसके बाद जस्ट ही आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता लग भी गई, चुनाव भी हुआ,
तो उस टाइम पे भी जांच की रिपोर्ट आना नामुमकिन ही था, ठीक है ना। तो अब क्या, इसके बाद जब सरकार भी बन गई, अब तो जांच का रिपोर्ट आ सकता है। तो जांच रिपोर्ट आया, और आया तो आपको क्यों नहीं दिखा, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं जांच रिपोर्ट आया और आपको क्यों नहीं दिखा, ये कि मेरे को क्यों नहीं दिखा, उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो जांच आयोग है, ठीक है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं। तो इसकी शक्तियाँ भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना, हाजिर करना तथा शपथ की उसकी परीक्षा करना। भारत के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति है तो उसको समन कर सकता है। समन करना मतलब उसको बुला सकता है, जिस तरह से न्यायालय करती है, ठीक है। किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, फिर चाहे वो न्यायालय ही क्यों ना हो, या न्यायालय से भी वो चाहे तो कोई भी दस्तावेज मंगा सकता है, ठीक है, अनुरोध करके। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, क्या सबूत है, इसके लिए वो किसी को समन कर सकता है। किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना, वही जो अभी मैं प्रीवियस में बोला कि किसी भी न्यायालय से कोई लोक अभिलेख है, ठीक है, यदि कोई उसका रिव्यू प्रिंट है तो उसको भी जांच आयोग मंगा सकता है। साथियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए, ये जांच आयोग के नियम हैं। अब श्रीमान जी, इसके अलावा और जांच आयोग क्या कर सकता है? तो इसके अलावा जांच आयोग सरकार से टाइम टू टाइम बात भी कर सकता है, सरकार से मार्गदर्शन, सरकार को मार्गदर्शन दे सकता है, यहाँ तक कि सरकार से पूछ भी सकता है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। सरकार से को भी अब समन कर सकता है, चूंकि इट माइट बी पॉसिबल। कई जगह आप देखे होंगे कुछ घोटाले होते हैं जिसमें सरकार के मंत्री ही फंसे होते हैं, ठीक है। तो जांच आयोग किसी को भी समन कर सकता है, किसी से भी पूछ सकता है। तो इस मैटर पे क्या हुआ, अब आप समझो, जैसे मैं पहले बोला कि जांच आयोग हो सकता है कि अपनी रिपोर्ट सौंप दी, वो पब्लिक नहीं की गई। क्यों? क्योंकि मान के चलिए कि यदि जांच आयोग में गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी है, या कि जो गवर्नमेंट से किसी भी तरह का कड़ी रखता है, किसी भी तरह से ताल्लुक है, यदि जांच आयोग के उस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया गया तो क्या होगा? यदि उसको विधानसभा में पेश किया गया तो विपक्ष को बैठे बैठाए बहुत अच्छा मुद्दा मिल जाएगा। अब विपक्ष इस बात को समय समय पर उठाती भी रही है, तो विपक्ष को मौका मिल जाएगा सरकार को घेरने के लिए, जो सरकार देना नहीं चाहेगी। दूसरी बात, यदि इसको सरकार को दे दिया जाए और सरकार पब्लिक करे, तो सरकार पब्लिक करने के पहले क्या करेगी, रिव्यू करेगी, क्योंकि पब्लिक में भी जाएगी तो विपक्ष देखेगा, यहाँ तक कि आप लोग भी देखेंगे, ठीक है। तो सरकार इसको रिव्यू करेगी। जांच आयोग में एक ये भी सबसे बड़ी बात होती है कि यदि सरकार के अगेंस्ट कुछ होता है तो उस बात को दबा दिया जाता है, क्योंकि कई रिपोर्ट आते हैं जांच आयोग के, कई रिपोर्ट सरकार के पास आते रहते हैं, सरकार को जो उचित लगता है उसको पब्लिक करती है, अदरवाइज उसको दबा देती है। तो सर अब हमारा क्या होगा, हमने तो एग्जाम दिया, हम अपीयर हुए एग्जाम में, हमने क्वालिफाइड किया, हमने कड़ी मेहनत की, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग जालसाज थे जो कड़ी मेहनत नहीं की और पास थ्रू हो गए, ठीक है, साइड का रास्ता अपना लिए, घूसखोरी का रास्ता अपना लिए, लेकिन जो हम ईमानदार हैं हम काहे मारे जा रहे हैं। तो भाई साहब आपको एक चीज़ क्लियर कट कह दूं कि दोबारा एग्जाम नहीं होगा। हो सकता है कुछ ऐसे बंधु वीडियो देख रहे हैं जो उसमें असफल हो गए पटवारी एग्जाम में, समझने की कोशिश करो यार। 15 लाख की वैकेंसी, ठीक है, जिसमें वो सॉरी 15 लाख अभ्यर्थी कैंडिडेट जिसमें अपीयर हुए हों, क्या दोबारा से उसी खर्च पे गवर्नमेंट कभी इसको आयोजित करेगी? आप स्वयं समझ सकते हैं, दैट्स इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं। या कि डायरेक्ट इस परीक्षा को कैंसिल कर दे तो सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी होगी। फिर यदि मान लो कि ये वैकेंसी दोबारा से आयोजित करा दिया गया, तो इस बात की क्या प्रामाणिकता है कि अब दोबारा से इस पे घोटाला नहीं होंगे, या कि इस पे इस तरह के जो कमीशन खोरी था, घूसखोरी था, वो नहीं होगा, इस बात की क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं, फिर से होगा, फिर से बढ़ जाएगा। चूँकि जो लोग ये आखिरकार करवाए हैं उनको ये रहेगा कि यार जांच में तो कुछ हुआ नहीं, हमारे खिलाफ तो कोई केस हुआ नहीं, फिर से हम यही काम करेंगे, उनको किस बात का डर भैया। तो क्या होना चाहिए? फर्स्ट ये होना चाहिए कि जांच अच्छे से हो, जांच रिपोर्ट में जो दोषी पाए जाएं उनको बहुत बेहतरीन सजा होनी चाहिए, ठीक है, और जो सही है
ठीक है ना। जो अभ्यर्थी सही है, जिन्होंने अच्छे अपने मेहनत से इसको क्लियर किया, उनको जॉब मिलना चाहिए। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि सर फिर से एग्जाम हो जाए, तो फिर से एग्जाम होगी, फिर से वही प्रक्रिया होगी, फिर से वही दिक्कत होगी। और यदि परीक्षा कैंसिल करोगे तो आप स्वयं समझो कि मध्य प्रदेश में एक तो वैकेंसी आती नहीं, बड़े मुश्किल से एग्जाम होते हैं, तो आप कितने एग्जाम कैंसिल करवाओगे। चूंकि अब आप समझो इस बात को, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए सेक्रेटरी है, सचिव, आईएएस लेवल, सोचो कि वो लोग कितना दिमाग लगाते होंगे, कितना माइंडसेट लगाते होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जॉब तो देना नहीं है, जॉब देना होता तो इस तरह की रवैया होती नहीं कि आप जो है तो 2 से 3 महीने पूरे वैकेंसी निकाल दिए एक करके। ठीक है, आप आंकड़ा गिना रहे हो, 1 लाख का वैकेंसी में अभी फुलफिल नहीं हुआ 20,000 भी, ये कौन सी बात हुई। आप ये बताओ वर्ग 1 का रिजल्ट क्या अभी तक आया? नहीं। ठीक है, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन नहीं। अभी आपकी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैसे भी पेज फंसी हुई है। तो ये आप समझिए कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपको ऑलरेडी उलझा के रखना चाहती है। ठीक है, और उसमें एक मुद्दा भी मिलता रहता है। अभी जैसे 27 या 28 दिसंबर को भोपाल में आंदोलन भी हुआ पटवारी को लेकर के, उस आंदोलन का कोई आपको परिणाम देखने को मिला? उसमें डायरेक्ट बोल दिया गया ओबीसी आरक्षण जो है था, ठीक है, उसको लेकर के। तो भाई ओबीसी आरक्षण का इससे क्या ताल्लुकात है? अभी तो जांच की रिपोर्ट आ जानी चाहिए ना, जो पब्लिक करना चाहिए गवर्नमेंट को। जांच आयोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती थी, उसकी ये पावर है, उसको ये शक्तियाँ ऑलरेडी मिली है, तो क्यों नहीं हुआ? एक चीज़ क्लियर एंड कट कन्फर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी पटवारी परीक्षा एग्जाम क्लियर है, यदि वो पूर्णतः सत्य है, तो उनको जॉब मिलेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन अब करना क्या चाहिए? तो आप फिलहाल इस परीक्षा पे टोटल फोकस करके बैठने से अपेक्षा ज़्यादा बेटर है कि जो हो गया वो यदि मिलना है आपको तो मिलेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और रियल में मिलेगा। लेकिन आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए बेटर होगा। तो आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। इसको नेक्स्ट फॉरवर्ड करिए, जिससे दूसरों को भी हेल्प हो, और जो लोग काफ़ी डिमोटिवेट हो रहे हैं पटवारी एग्जाम को लेकर के, उन तक ये मैसेज पहुँच सके। सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारा भी सपोर्ट हो। तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।